गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफेशनल स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस करंट अफेयर्स के सेक्शन में 14 मार्च और 15 मार्च के क्वेश्चंस शामिल करेंगे और सारे क्वेश्चंस को यहां डिस्कस भी करेंगे। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो उसे जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि वहां तरह तरह के अपडेट्स आते रहते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको PDF क्विज, साइंस एंड टेक न्यूज, इंपॉर्टेंट इवेंट्स न्यूज, लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए प्रोफेशनल स्टडी सर्च कर सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। किस मंत्रालय ने अमेजन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है? जिसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अमेजन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर अनुसंधान व विकास को बढ़ावा देने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब स्थापित करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने गरीब प्रतिभाशाली लड़कियों के शिक्षा के लिए सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की घोषणा की है? क्या है सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना? जिसका सही आंसर है जम्मू एवं कश्मीर। दोस्तों, जम्मू एवं कश्मीर के गरीब प्रतिभाशाली लड़कियों के शिक्षा के लिए सुपर 75 योजना वहां की सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है। और दोस्तों, बात करते हैं जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित कुछ अन्य करंट अफेयर्स की। तो हाल ही में खेलो इंडिया के द्वितीय संस्करण का आयोजन जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में आयोजित किया गया था। और दोस्तों, इसमें जम्मू कश्मीर ने पदक तालिका में सबसे पहला स्थान प्राप्त किया था। और दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर 850 मेगावाट के रटले परियोजना की भी मंजूरी दी है। और दोस्तों, बात करते हैं दिल्ली की। तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है, जो आज़ादी के 75वें साल पूरे होने के कार्यक्रमों का हिस्सा है। और दोस्तों, दिल्ली सरकार ने घर घर राशन योजना की भी शुरुआत की है। अब बात करते हैं दोस्तों महाराष्ट्र की। तो हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार ने राज्य के प्रत्येक राजस्व मुख्यालय में अत्याधुनिक राजीव गांधी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। और साथ में कोरोना की बात करते हैं तो महाराष्ट्र राज्य देश में पहला कोरोना वैक्सीन पाने वाला राज्य है। और दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने जेल दर्शन योजना भी शुरू की है, जिसके तहत ऐतिहासिक जेलों को दिखाया जाएगा। नेक्स्ट, मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। दोस्तों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिशन पोषण के दूसरे चरण मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति को लॉन्च किया है। और दोस्तों, इन कार्यक्रमों को आंगनवाड़ी कार्यक्रम के तहत चलाया जाएगा। और दोस्तों, इसका उद्देश्य महिलाओं तथा बच्चों में पोषण संबंधी कमी तथा अन्य समस्याओं को दूर करना है। और दोस्तों, बात करते हैं महिलाओं तथा बच्चों की संख्या की। तो वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार महिलाओं तथा बच्चों की संख्या लगभग 67.7% है। और दोस्तों, सक्षम आंगनवाड़ी कार्यक्रम के लिए बजट में 24,435 करोड़ आवंटित किए गए हैं। और दोस्तों, पोषण अभियान के लिए जिसका दूसरा चरण शुरू हुआ है, तो उसके लिए 20,105 करोड़ आवंटित बजट में किया गया है। और दोस्तों, बात करते हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की। तो हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री थावर चंद्र गहलोत ने सुगम में भारत ऐप तथा एक्सेस टू फोटो डाइजेस्ट को लॉन्च किया था। हाल ही में स्कॉर्पियन श्रेणी के किस पनडुब्बी को नौसेना में कमीशन दिया गया है? जिसका सही आंसर है करंज। दोस्तों, स्कॉर्पियन क्लास की तीसरी पनडुब्बी करंज को नौसेना में कमीशन दिया गया है। और दोस्तों, फ्रांस की मदद से प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत के मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में इस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को तैयार किया गया था, जिसे हाल ही में कमीशन दिया गया है। और दोस्तों, INS चक्र दुनिया की सबसे शक्तिशाली पनडुब्बियों में से एक है जो भारत के पास है। और भारत के पास वर्तमान में 15 पनडुब्बियां हैं। और यहाँ बात आती है स्कॉर्पियन क्लास श्रेणी पनडुब्बियों की। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना ने वर्ष 2005 में प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांस के साथ 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों को बनाने का करार किया था, जिसमें पहली पनडुब्बी कलबड़ी को 2017 में शामिल किया गया था, जबकि दूसरी को 2019, जिसका नाम खांडेरी है तथा तीसरी जिसका नाम करंज है, जिसे हाल ही में शामिल किया गया है, और चौथी
बेला को इस साल के अंत तक लॉन्च कर दिया जाएगा। और दोस्तों पांचवी बागीर को भी समुद्री परीक्षणों के लिए लॉन्च कर दिया गया है। और दोस्तों हाल ही में पंडुबी से संबंधित एयर प्रोपल्शन सिस्टम को बनाया गया है। और दोस्तों यह एक समुद्री प्रणोदक तकनीक है जो ऑक्सीजन तक पहुंचे बिना गैर परमाणु पनडुब्बियों के संचालन की अनुमति देती है, क्योंकि पनडुब्बियों को ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए सतह पर आना पड़ता है। समाचारों में रहे गोधन न्याय योजना को किस राज्य में शुरू किया गया था? इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना को शुरू किया गया था। और दोस्तों इसके तहत गोबर की खरीदारी सरकार के द्वारा की जाती है। दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 को की थी। दोस्तों इसके तहत पशुपालकों से खरीदी गई गोबर से बर्मी कंपोस्ट के साथ अन्य उत्पाद को बनाया जाता है। और दोस्तों अब तक 80 करोड़ रुपए की गोबर की खरीदी की जा चुकी है। और दोस्तों गोबर से बने बर्मी कंपोस्ट को सरकार 10 रुपए किलो खरीदती है। और दोस्तों हाल ही में कृषि मामलों की स्थायी समिति ने मंगलवार को सदन प्रस्तुत रिपोर्ट में इस योजना को पूरे देश में लागू करने का सुझाव केंद्र सरकार को दिया है। बैटन ऑफ ऑनर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जिसका सही आंसर है किरण बेदी। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया है। और दोस्तों किरण बेदी पुदुचेरी की उपराज्यपाल रह चुकी हैं और ये हाल ही में आंतरिक कारणों से इन्हें इस पद से इस्तीफा देना पड़ा था। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद CSI किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर है GP सावंत। दोस्तों GP सावंत को भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद CSI बनाया गया है। इससे पहले ये RBI में अपनी सेवा दे रहे थे और ये छत्रपति शिवाजी की जगह लेंगे जो पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद हैं। और दोस्तों मुख्य सांख्यिकीविद के कार्यकाल के साथ साथ ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय में सचिव के रूप में भी काम करेंगे। और दोस्तों बात करते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू की, तो गिरीश चंद्र मुर्मू को यूनाइटेड नेशन के बाह्य ऑडिटर समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। और बात करते हैं इमरान अमीन सिद्दीकी, तो इमरान अमीन सिद्दीकी हाल ही में इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं। और बात करते हैं अजय मल्होत्रा की, तो अजय मल्होत्रा को संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट, चीन ने किस देश के साथ लूनर रिसर्च स्टेशन ILRS संयुक्त रूप से बनाने के लिए एक समझौता किया है? उसका सही आंसर है रूस। दोस्तों चीन की स्पेस एजेंसी तथा रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने संयुक्त रूप से लूनर रिसर्च स्टेशन बनाने के लिए एक समझौता किया है। और दोस्तों इस परियोजना का लक्ष्य अंतरिक्ष के उपयोग और मानव के शांतिपूर्ण खोजों को बढ़ावा देने और वैज्ञानिक सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए किया जाएगा। और दोस्तों यह स्टेशन एक बड़े बेस की तरह कार्य करेगा जिसमें चंद्रमा का उपयोग अधिक से अधिक खोजों के लिए किया जाएगा। और दोस्तों रूस इससे पहले ही कई देशों के साथ मिलकर एक दूसरे तरह का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। नेक्स्ट, भारत तथा किस देश ने मिलकर दस्तलिक 2 नामक संयुक्त अभ्यास शुरू किया है? इसका सही आंसर है उज्बेकिस्तान। दोस्तों भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सेना अभ्यास उत्तराखंड के रानीखेत में शुरू हुआ है। और दोस्तों ये उज्बेकिस्तान है, और उज्बेकिस्तान के बारे में जानते हैं तो उज्बेकिस्तान मध्य एशिया में स्थित एक भू आबद्ध देश है। और दोस्तों भू आबद्ध देश का अर्थ ये होता है कि उस देश की सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती है। और एशिया में कुल 12 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती है, और उसमें कजाकिस्तान सबसे बड़ा भू आबद्ध देश है। और दोस्तों बात करते हैं उज्बेकिस्तान की, तो उज्बेकिस्तान का एक प्रसिद्ध शहर ताशकंद है, जहाँ पे 10 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था। और दोस्तों 2011 में अश्वघात समझौता हुआ था जिसमें उज्बेकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और ओमान शामिल थे, और उसमें भारत 3 फरवरी 2018 से उस समझौते में शामिल हो गया। और भारत के इस समझौते में शामिल होने से भारत की पहुंच मध्य एशिया के होते हुए फारस की खाड़ी तक हो जाएगी, और फारस की खाड़ी महत्वपूर्ण व्यापार जलमार्गों में से एक है। और बात करते हैं इतिहास की, तो मुगलों के पितामह बाबर का संबंध उज्बेकिस्तान से था। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी पानी पर तैरती सौर परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? जिसका सही आंसर है तेलंगाना। दोस्तों
तेलंगाना के रामागुंडम में 100 मेगावाट क्षमता का भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र मई 2021 तक चालू हो जाएगा। और दोस्तों इस सौर संयंत्र को श्री राम सागर परियोजना जलाशय की पानी की सतह पर 423 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। और दोस्तों इस परियोजना को NTPC साउथ के द्वारा पूरा किया जा रहा है। और दोस्तों इस क्षेत्र में NTPC द्वारा विकसित की जा रही सभी परियोजनाओं की कुल क्षमता 447 मेगावाट है। और दोस्तों NTPC की स्थापना 1957 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरह का विश्व के सबसे बड़े सोलर प्लांट जो तैरता हुआ होगा उसकी स्थापना की जा रही है और उसकी क्षमता 600 मेगावाट होगी, जो नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर बांध पे स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? इसका सही आंसर है फ्रांस। दोस्तों विश्व में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण फ्रांस ने पृथ्वी की कक्षा में अपने उपग्रहों के साथ साथ अन्य रक्षा उपकरणों पर हमला करने की क्षमता पर परीक्षण करने के लिए अपनी तरह का पहला अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास शुरू किया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसका सही आंसर है मिताली राज। दोस्तों मिताली राज ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रहे अंतर्राष्ट्रीय वनडे इंटरनेशनल मैच में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। और दोस्तों इससे पहले इंग्लैंड की शार्लोट एडवर्ड्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाए हैं। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर किस देश ने विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है जापान। दोस्तों राइकन और फुजित्सु नाम के जापानी वैज्ञानिक संस्थान ने इस सुपर कंप्यूटर को बनाया है। और भारत के सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो भारत के सुपर कंप्यूटर में परम सिद्धि का पहला स्थान है जबकि प्रत्युष का दूसरा स्थान है। और दोस्तों ये है जापान का मैप और जापान एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है और जापान के 4 बड़े द्वीप हैं होन्सु, क्यूशु, शिकोकू और होकाइडो जो जापान के 97% क्षेत्रफल को कवर करते हैं। और जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है और जापान में सबसे ज़्यादा अधिक भूकंप आते हैं। नेक्स्ट, विजय हजारे ट्रॉफी 2011 किसने जीती है? तो इसका सही आंसर है मुंबई। दोस्तों मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2021 जीत ली है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, साथ में कमेंट करें। धन्यवाद।